कलेक्टर साहब, मैं गंगाधर चौधरी बोल रहा हूं। आपने कहा था कि आप कलेक्टर के अलावा कुछ और भी हैं। मुझे आपकी कलेक्ट्री पर एतराज नहीं है, लेकिन आपके कुछ और होने पर एतराज है। चौधरी, होश में हो जो इस तरह बेसुरे अंदाज में बात कर रहे हो? अब तक होश में नहीं था, अब होश आया है कलेक्टर साहब। क्या मतलब है तुम्हारी इस बदतमीजी का? आपने मेरे दुश्मन के बेटे सूरज सिंह को मेरे मुकाबले खड़ा किया है, ये अच्छा नहीं किया आपने। शट अप। बहुत शौक है आपको इस्तीफा जेब में रखकर घूमने का, अब उस पर तारीख डाल लीजिए, वक्त आ चुका है। चौधरी, तुमने बात अधूरी की थी, उसे हम पूरा करने आए हैं। कलेक्टर साहब, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। चौधरी, पृथ्वीराज चौहान का खानदान आज भी अपनी आन को अपनी जान से ज्यादा जरूरी समझता है। बदतमीज, गुस्ताखी करने से पहले ये तो सोचा होता कि राजपाल चौहान का गजब किसी जलजले से कम नहीं। चल मेरे साथ। इकबाल, हिरासत में रखो इसे, और इल्जाम है कलेक्टर से बदजबानी और बदतमीजी का। बदतमीजी और बदजुबानी इसने की है मुझसे भी। क्या कहा था? झूठा, धोखेबाज, कमीना। यह पुलिस के साथ बदजुबानी करने का मुआवजा। कहता था कि एसपी इसे सलाम करता है। चौधरी, याद रख, इकबाल न झूठ कहता है और न झूठ सुनता है। सर, कल इस पर अदालत में मुकदमा दाखिल कर दूंगा। नहीं, एक घंटा अंदर बिठाने के बाद छोड़ दो इसे, ताकि पता चले कि राजपाल चौहान का रहम भी उनके गजब से कम नहीं होता। सबर कराए 1 मिलियन।